हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये वीवो का Y22 है जिसमें पैटर्न लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है। अगर आपके फ़ोन में इस तरह से पैटर्न लॉक लग जाता है और दूसरा कोई पैटर्न लॉक डालने से अनलॉक नहीं होता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊँगा इसका पैटर्न लॉक कैसे अनलॉक करते हैं, तो मैं वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। तो पहले डिस्प्ले का लाइट जला लेंगे। आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहेंगे। अब यहाँ पर पावर ऑफ करने का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे और इस फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा फ़ोन ऑफ हो रहा है, हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फ़ोन के इस साइड में सबसे ऊपर में वॉल्यूम अप बटन है, उसके नीचे वॉल्यूम डाउन बटन है और सबसे नीचे में पावर बटन है। तो हम लोग क्या करना है, रिकवरी मोड लाना है। तो रिकवरी मोड लाने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम अप बटन को दबा के रखे रहना है, उसके बाद जाके पावर बटन को दबाना है। जैसे ऑप्शन आएगा दोनों बटन को एक साथ छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम अप बटन को दबाएंगे, उसके बाद जाके पावर बटन को दबाएंगे। चलिए अप बटन को दबा के पावर बटन दबा देते हैं। दबा दिए, जैसे ऑप्शन से आएगा दोनों बटन को एक साथ छोड़ देंगे। आ गया, दोनों बटन को एक साथ छोड़ दिए। अब यहाँ आपके डिस्प्ले पे इस तरह से दिखाने लगेगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वीवो फास्ट बूट। अब यहाँ पहला नंबर में लिखा है रिबूट, सेकेंड में लिखा है रिकवरी मोड। तो हम लोग को रिकवरी मोड पर आना है। तो वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रिकवरी मोड पे आ जाएंगे। आ गए रिकवरी मोड पे, अब हम लोग को इसी पे रहना है और पावर बटन दबा देना है। चलिए दबा देते पावर बटन। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी देर में यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दोस्तों आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा है वीवो रिकवरी। अब यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्लियर डाटा, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है क्लियर डाटा। यहाँ पहले नंबर में लिखा है क्लियर केचा, लास्ट में लिखा है क्लियर ऑल डाटा। तो हम लोग को लास्ट वाले क्लियर ऑल डाटा पे टैप करना है। चलिए टैप कर देते हैं। जैसे टैप करेंगे यहाँ लिख किया गया क्लियर ऑल डाटा और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कैंसिल और ओके। तो हम लोग को ओके पे टैप कर देना है। जैसे ही ओके पे टैप करेंगे हमारा फ़ोन जो है वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ नीचे में लिखा चुका है डाटा वाइप्ड कंप्लीट। अब यहाँ ऊपर में लिखा है क्लियर, उसके बाद लिखा है ऑल डाटा क्लियर, यहाँ लिखा हुआ रिटर्न। तो रिटर्न पे टैप कर देंगे और मेन मेन्यू में चले जाएंगे। अब यहाँ ऊपर में आपको बैक का आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। ठीक है, आ गए मेन मेन्यू में। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है रीस्टार्ट, इस पर हम लोग को टैप कर देना है। अब यहाँ लिखा हुआ है रीस्टार्ट योर फोन, उसके बाद यहाँ लिखा कैंसिल, यहाँ लिखा ओके। तो ओके पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे हमारा फ़ोन जो है रिबूट मोड में चल जाएगा, मतलब रिस्टार्ट मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको 5 से 6-7 मिनट लगेंगे। तो जब तक हमारा फ़ोन खुद ब खुद स्टार्ट ना हो जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। तो दोस्तों आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपके सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। फ्रेंड, हार्ड रिसेट कम्प्लीट हो जाने के बाद हमारे फ़ोन में FRP लॉक भी लग जाता है। अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर ही मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाए वीडियो के लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देख के अपने फ़ोन का FRP लॉक भी अनलॉक करें। फ्रेंड, अब हमारा मोबाइल खुल चुका है, इसमें लाइट थोड़ा कम आ रहा है पर आप ध्यान से देखिए हमारा मोबाइल खुल चुका है। उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाके अपने फ़ोन को सेटअप करके चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टैप करके ज़रूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।